हेलो दोस्तों, दूरबीन वर्सेस चीरे वाला कान का ऑपरेशन। हाँ दोस्तों, क्या मुझे दूरबीन से कान का ऑपरेशन कराना चाहिए या कान का चीरे वाला दोस्तों ऑपरेशन कराना चाहिए? दोस्तों बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दीजिए बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो और एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बार क्या होता है मेडिकल साइंस के अंदर, जब हमें हमारे शरीर से रिलेटेड कोई सर्जरी करानी होती है या कोई प्रॉब्लम होता है, हम बड़े बायस हो जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, कई बार मेरे को घर की राय नहीं मिल पाई, मेरे कोई जैसे आपको कान के अंदर जैसे प्रॉब्लम है, कान के पर्दे में छेद है, तो दोस्तों हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं। किसी के पास गए, कोई दूरबीन वाला ऑपरेशन बताता है, कोई कान का जो है वो पोस्टोरल, कोई चीरे वाला ऑपरेशन बताता है। दोस्तों मैं डॉक्टर साहब मैं कौन सा ऑपरेशन कराऊं, प्लीज मेरे को घर की राय दीजिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये देख लें कि कान का ऑपरेशन जो हमें कराना है, उस ऑपरेशन में आपकी क्या प्रॉब्लम है और क्या उद्देश्य है। दोस्तों मेरी बात पे गौर करना, क्या प्रॉब्लम है एंड क्या उद्देश्य है। एक तरफ है आपकी कान के अंदर कान के पर्दे में छेद है, कान के पर्दे में आपके छेद है या कान के पर्दे में सफेद दाग है, एंड आपका उद्देश्य है यू जस्ट वॉन्ट टू गो इन द आर्मी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, लोको पायलट, वट एवर, जहां पे आपका एक मेडिकल बहुत महत्वपूर्ण है, एंड उस मेडिकल में अगर आपको निकाल दिया कान के कारण तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, कैरियर में प्रॉब्लम हो सकती है। एक दोस्तों ये लाइन है। दूसरी जो लाइन है दोस्तों, आपके कान के पर्दे के अंदर बदबू आ रही है, कान के पर्दे में हड्डी गली हुई है, एंड आपको जो है वो आर्मी या एयरफोर्स में नहीं जाना, या दूसरा ये सब प्रॉब्लम होते हुए भी आपको आर्मी या एयरफोर्स में। सो दोस्तों हमारे पास तीन सिचुएशन निकल के आई है। नंबर वन जो सिचुएशन है दोस्तों, उसमें क्या है कि जो कान के पर्दे में छेद है, आपको आर्मी एयरफोर्स में जाना है, कान के पर्दे में जो है आपकी जो व्हाइट दाग है, सफेद दाग है, दोस्तों यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द दूरबीन सर्जरी। You are the best candidate for दूरबीन surgery. आपको दूरबीन से ही surgery करानी चाहिए। Endoscopic ear जो surgery endoral technique से होती है, जिसमें कान के पीछे कहीं चीरा नहीं लगता। आपके कान के पर्दे में जो problem है वो सफेद दाग हो सकता है, या आपके कान के पर्दे के अंदर जो छेद है वो दूरबीन के माध्यम से ठीक किया जाता है, उसमें पीछे चीरा नहीं लगता है। यहाँ पे एक अपनी मसल होती है, उससे वो फेशिया लेके एंड वो जो होल होता है उसको बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अमूमन ये जो प्रक्रिया होती है, ये मान के चलो कि करीब करीब जो है 1-1.5 घंटे की प्रक्रिया होती है, 2-3 घंटे बाद आप जो है छुट्टी हो जाती है, एंड उसके बाद में आप अपने रीमेडिकल में करीब करीब 20-22 दिन बाद आप वापस जा सकते हैं। एंड इस प्रक्रिया के अंदर जो है वो आपको करीब जो है एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं, अमूमन करीब 50,000 रुपए के आसपास इसका एवरेज खर्चा आता है, एंड यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, आपको अपने मेडिकल में आप ठीक हो सकते हो। दूसरी जो कैटेगरी थी उसमें दो चीजें थी दोस्तों। एक तो क्या है कि आपके कान के अंदर जो है बदबू आ रही है, डॉक्टर ने बताया हड्डी गली हुई है, एंड उसके बाद भी आपको आर्मी में जाना है। सो दोस्तों अभी इसके अंदर ये जो सिचुएशन है, इसको दूरबीन से सर्जरी करने के लिए काफी चैलेंजिंग वर्क होता है, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है। इसलिए क्या है, इसमें क्या है एक साधन सुविधा, एंड साधन सुविधा के बाद में आपको जो है डॉक्टर वो काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर आपकी हड्डी गली हुई है तो भी उसको दूरबीन के माध्यम से सर्जरी कर सकता है कि नहीं, उसकी पूरी बीमारी निकाल सकता है कि नहीं, कि वो आपको जो है आपको आर्मी एयरफोर्स में जाने का मोटो सोल हो सकता है कि नहीं। बहुत बार दोस्तों कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपकी डिजीज इतनी एक्सटेंसिव होती है कि उस डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए, उस बीमारी को निकालने के लिए दूरबीन से सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्या है, बेसिकली डिजीज की अमाउंट और ग्रेविटी और सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। बहुत बार काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तजुर्बा है, फिर भी क्या है उसको पोस्टोरल टेक्निक से ही ठीक करना होता है।
अच्छा एक सिचुएशन दोस्तों ऐसी है कि जैसे आपको हड्डी गली हुई है, बदबू आती है, आर्मी में नहीं जाना, तो दोस्तों आपको पोस्टोरल टेक्निक से सर्जरी करानी चाहिए, जिससे कहीं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सर्जन इतना एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होता, साधन सुविधाएं नहीं होती, लेकिन उसने अगर पोस्टोरल टेक्निक से किया है तो हो सकता है कि वो पूरी डिजीज उसमें से निकाल दे। सो घूम फिर के दोस्तों बात क्या निकल के आई कि सबसे पहले तो आपकी जागरूकता, अगर आप जागरूक हो, आपकी अवेयरनेस है, तो आप उसको समय पे डॉक्टर को दिखाया, तो जो नॉर्मल जो आप हमारे कान के पर्दे में एक सिंपल छेद था, वो हड्डी गली हुई और ऐसी बीमारी में नहीं रूप लिया, तो आप दूरबीन से आपका कान का इलाज संभव है। इसलिए दोस्तों आप मिथ और जो लोगों की जो बातें हैं उस पे नहीं मानना चाहिए कि ये ऑपरेशन अच्छा है। डेफिनेटली दूरबीन वाला ऑपरेशन अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कान के पीछे चीरा नहीं लगता, उसके अंदर कान के पीछे निशान नहीं होता, उसके कान के पीछे आपको नंबनेस नहीं होती। बहुत बार क्या है, चीरा लगने के बाद कान थोड़ा कई दिनों तक सूना रहता है, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं रहती। मेडिकेशन से आपको कम लेनी होती है, आपको कैरियर में प्रॉब्लम नहीं आती, बट वो दूरबीन से अगर हम सर्जरी करा सकते हैं तो इलाज पूर्ण रूप से संभव होना चाहिए। क्योंकि कई सारे इससे रिलेटेड मिथ हैं, दूरबीन से सक्सेस नहीं होता, दूरबीन से सफल नहीं होता, दूरबीन से बीमारी रह जाती है। सो दोस्तों ये सब चीजें जो मिथ है आपके दिमाग में, वो हमें क्लियर बिल्कुल अच्छे से कर देनी चाहिए। आपकी डिजीज की अमाउंट एंड ग्रेडिंग कितनी है, ये सर्जन डिसाइड करता है कि यू आर कैंडिडेट आइडियल और नॉट। बहुत बार क्या है, कई बार थोड़ा डिजीज ज्यादा भी होती है, लेकिन सर्जन अगर एक्सपीरियंस है, आपके पास साधन सुविधाएं हैं, तो उसको दूरबीन से कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, इफ यू आर ए आर्मी एस्पिरेंट, आपको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, और आपको आपको कान के अंदर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड बेसिकली आपको लक्षण है, समस्या है, तो आपको उचित डॉक्टर की तलाश करनी होगी, एंड वहां पे जो उचित साधन सुविधाएं अगर हैं तो उसको आपको जो है ये सारी बात डॉक्टर के सामने पुट अप करके डिस्कस करके उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। So I hope this information is really useful for you. You can share to your family, friends and army colleagues, जिससे उनको जो है उनकी प्रॉब्लम से उनको जो है छुटकारा मिल सके। एंड आपका कोई सवाल है, आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन पुट माई कमेंट बॉक्स। जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल की तरफ से आपको डेफिनेटली विल रिप्लाई। थैंक यू।